डॉग शोज के अंदर ये भैया के चाव चाव है। भैया ये कहाँ से इम्पोर्टेड है चाव चाव? ये चाइना से इम्पोर्ट है। ये चाइनीज इम्पोर्ट है चाव चाव सारे। और उसके बाद में पहले अनिल भैया ने जितनी ट्रॉफियां जीती है मोस्टली सेंट बर्नार्ड के अंदर जीती हुई है। भैया सेंट बर्नार्ड कितने टाइम पहले थे? सेंट बर्नार्ड मेरे पास आज से 7 साल पहले थे। ओके। और सुल्तान के ऊपर एक डॉग भौंक रहा है। सुल्तान का वेट वॉश कर दो। नो सुल्तान इज नॉट टेकिंग अ बाथ बट अनिल भैया इज गिविंग हिम अ वेट वॉश ड्राई वॉश। सर हो गया मारना जरा। अभी तो बच्चा बड़े होके जा जरूरत पड़ेगी इसको जब ये डेट पे जाएगा। इसकी नस्ल की एक और दो और ढूंढ के भी रखनी पड़ेगी ना अनिल भैया जब माउथ फ्रेशनर लगा के जिसके साथ घूमने जाएगा ये। ये सारे हारने से शिव व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बाइंग सम टॉयज फॉर सुल्तान। रियली इज इट गुड? साल में 6 वैक्सीनेशन होंगे सर इसके। 3 तो 9-in-1 लगते हैं, एक कोरोना वायरस, एक कैनल का, और एक एंटी रेबीज सर। ठीक है। 9-in-1 लगती है सर जैसे पार्वो वायरस, डिस्टम्पर वायरस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस जैसे बीमारियों के लिए जो इनकी खतरनाक बीमारियां होती है सर। ठीक है। सबसे पहले होती है 9-in-1 वैक्सीनेशन सर। ओके। तो 9-in-1 के अंदर हम लेते हैं यूज में 5-FF4 वैनगार्ड कंपनी की आती है जो सर। ठीक है जी। ठीक है। और इसी के साथ में सर आपको हर वैक्सीनेशन के साथ में डीवॉर्मिंग पेट के कीड़ों की मेडिसिन दी जाती है सर। डीवॉर्मिंग मैंने कर दी थी इसकी। ओके सर। खाली मैं वैक्सीनेशन कर देता हूँ सर, आज फर्स्ट वैक्सीनेशन से स्टार्ट कर देता हूँ, आपको फाइल बना के दे देता हूँ। ठीक है सर। शैम्पू तो क्लाइंट सारे अपना अपना सामान खुद चूज कर रहे हैं। एक ये चूज कर रहा है, एक वो चूज कर रहा है, और एक ये सुल्तान भी कुछ कुछ पसंद कर रहा है। यहाँ पे सारे सप्लीमेंट्स वगैरह भी हैं। तो ये इसका कार्ड बन चुका है, वैक्सीनेशन का लग गया है, नेम सुल्तान कुना लंबा, और ये 9-in-1 का स्टिकर इसका लग चुका है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके सर, और थैंक यू अनिल भैया, कुछ इसके लिए सामान दे दो हमारे को। आओ जी। तो इसकी अभी बात चल रही है, कितनी देर का प्रोसेस है? ये 15 मिनट है। हमारे तन्मय अरोड़ा से हाय। हाय गाइस। एंड साथ में है शिवाय लांबा। शिवाय, शिवाय वेर आर वी टेकिंग सुल्तान? द इंडियन मैस्टिफ। ही इज द इंडियन मैस्टिफ, बट वेर आर वी टेकिंग द इंडियन मैस्टिफ? फॉर वैक्सीनेशन। सुल्तान इज गोइंग फॉर वैक्सीनेशन। डू यू वॉन्ट हिम टू गेट एन इंजेक्शन? एंड डू यू वॉन्ट योर सेल्फ ऑल्सो टू गेट इंजेक्शन? नो। ओके, देन वी विल जस्ट टेक द डॉग। तो भाई अभी तन्मय और शिवाय साथ में जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अनिल भैया की शॉप पे। और कुत्ते पालने से देखो ये होता है, सबसे पहले मारना पड़ेगा मेरे को पोछा, एंड देन सुल्तान विल गो फॉर हिज वैक्सीनेशन। शिवाय ठीक है, अब पोछा उच्चा मारते हैं, सुल्तान को लेके चलते हैं। अनिल भैया की शॉप पे जा रहे हैं, डॉग स्टार रानीबाग, और वन ऑफ द बेस्ट शॉप है इस एरिया में। तो भैया से मिलवाते हैं और कुछ फैक्ट्स भी आपको बताएंगे डॉग्स के बारे में। तो भाई पहुंच रहे हैं बस डॉक्टर के पास में, अनिल भैया के क्लिनिक पे जा रहे हैं। ये है हमारा सुल्तान सिंह, ये साथ में बैठा है, आगे पीछे तन्मय। और भाई ये हाल है देखो, ऐसे जा रहा है शिवाय। से हाय। से हाय प्रॉपरली। हाय माय लव। तो भाई पहुंच रहे हैं इसके। भाई सबसे ज्यादा जिस चीज के लोग दीवाने होते हैं ना इसके, देखो इसका पंजा अभी से मेरे हाथ बराबर है। फिर दिखाते हैं भैया से, बातचीत भी कराएंगे आपकी। और पहुंच रहे, रेड लाइट थी इसलिए रुके थे, अब ग्रीन हो गई। तो भाई हम पहुंच चुके हैं डॉग स्टार, काफी बड़ी शॉप है, नीचे बहुत बड़ी शॉप है और इधर भी। और ये है रानीबाग पड़ता है वैसे, बाकी ये वाली इधर से रोड को हाथ से आ रही है, इधर आपका शकुरपुर गांव वाली साइड है, और ये मेन M2 के पीतमपुरा के पास में ही है। जो शॉप का वो है एड्रेस, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलते हैं अनिल भैया से मिलते हैं और सुल्तान की फर्स्ट वैक्सीनेशन करते हैं। तन्मय सुल्तान को पिक कर रहा है। शिवाय मेरा भी काम। ओके, टू सुल्तान्स डॉक्टर वी हैव कम सी, और तन्मय हैज लिफ्टेड सुल्तान एंड देन वी आर गोइंग। देखते हैं, नीचे भी दिखाएंगे आपको, पहले अनिल भैया से मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लैनेट, और साथ में है अनिल गुप्ता जी,
तो सर नमस्कार। और अनिल जी की शॉप है, जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया था, हमारे बड़े पुराने प्रेमी हैं। बाकी डॉग तो मेरे पास वैसे भी दो डॉग हैं, पर वो पग से पुराने हो गए हैं। तो अनिल भैया का मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले तो अनिल भैया का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डॉग्स के अंदर। अनिल भैया आपको कब से कितना टाइम हो गया डॉग वाली लाइन में? बचपन से ही है, 35 साल हो गए लगभग 35 साल। और मैं आपको ट्रॉफीज की फोटो और अटैच कर दूंगा जो अनिल भैया ने जीत रखी है। ऑलमोस्ट गिनती तो होगी नहीं मेरे ख्याल, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज थी वो सारी। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा इंडियन मैस्टिफ सुल्तान जो है वो आया, तो एक तो भैया के पास लाना था, इसकी क्वालिटी भी चेक करानी थी। तो अनिल भैया कैसा डॉग है? बहुत अच्छा डॉग, बहुत अच्छा। और साथ में इसका वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसके बारे में कुछ चर्चा करनी थी। तो अनिल भैया, जैसे आज इसकी फर्स्ट वैक्सीनेशन है सुल्तान की, तो सबसे पहले तो मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने व्यूअर्स के लिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल पूछिए जी। जैसे सबसे पहले ये डॉग मेरे पास आया था, तो जिन भैया ने ला के दिया था, मतलब जहाँ पे डॉग पहले था, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि इसकी वैक्सीन हो चुकी है, लेकिन हमारे को कोई बुक वगैरह कुछ नहीं मिली है इसकी। तो वो वैक्सीन अब हम कैसे इसके शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं? शुरू से स्टार्ट होगी, और जो वैक्सीन लग गई उसका बूस्टर डोज लग जाएगा, तो उसका कोई। पर हमें यही नहीं पता कि लगी कौन सी है। 9-in-1 ही लगी होगी, जैसे वैक्सीन 9-in-1 लगती है या पप्पी डीडी लगती है, दो चीज़ें लगती हैं। उसके बाद यहाँ उसके बूस्टर लग जाएंगे, तो वो और अच्छा काम। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा जैसे दो बार लग जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं? नुकसान नहीं, फायदा ही होता है, बूस्टर डोज डबल हो जाती है, तो अच्छा होता है। ठीक है, तो अब इसकी डीवर्मिंग अनिल भैया मैंने कर दी थी, इसकी डीवर्मिंग करी है मैंने, डोरोंटल प्लस ली थी, और इसका वेट कर लिया था 10 किलो 200 ग्राम वेट था इसका उस टाइम पे। तो मैंने इसको एक डोरोंटल प्लस दे दी थी पूरी गोली, एक ही डोरोंटल बच जाएगी। पर कीड़े निकले नहीं, मेरे को दिखे नहीं, जैसे कबूतर नहीं होंगे उसके अंदर कीड़े, वैसे इनके दिखते रहते बर्ड्स की जब करते हैं तो उनके तो गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं। और ये बहुत ज्यादा होंगे तो गुच्छे गुच्छे निकलेंगे, अगर बहुत ज्यादा नहीं होंगे पेरेंट्स इसके डिवॉर्म होंगे तो ज्यादा नहीं निकलते। ओके, और वो डोरोंटल प्लस जो है वो अंदर ही कीड़ों को गला देती है, तो वो पूरे साबुत नहीं होते। अच्छा, अब इसका वैक्सीनेशन कैसे कैसे चलेगा, क्या क्या करना है इसका? इसका 9-in-1 लगेगा, कोरोना वैक्सीन लगेगा इसको, और इसको एंटी रेबीज लगेगा, 3 महीने का हो जाएगा, उसके बाद एंड कफ का इंजेक्शन लगता है, वो टाइम टू टाइम। और एक वो पार्वो का जो बोलते हैं वो 9-in-1 के अंदर कंप्लीट होता है, वो 9-in-1 में होता है। तो कितने टाइम में इसकी फुल वैक्सीन हो जाएगी? जी, ये सारी पूरी टोटल वैक्सीन इसकी हो जाएगी, जब ये 5 महीने का हो जाएगा तो उसकी पूरी फर्स्ट ईयर की वैक्सीन खत्म हो जाएगी। और फिर वो रिपीट कब से होंगी? रिपीट फिर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर फिर वो लगती रहेंगी। ठीक है, तो अनिल भैया एक तो बस सुल्तान बेटा डॉग्स को देख के एक्साइटेड हो। अनिल भैया एक तो आपका शोरूम का मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा इसको। बिल्कुल, और अपने पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़ा अगर आप बताएं? डॉग कैट से मिलने वाले 99% इंडियन इम्पोर्टेड, सस्ता महंगा सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पार्लर भी है पूरा कंप्लीट, वॉशिंग कटिंग स्टाइलिंग सब होती है, एक से एक डॉग। फिश फूड भी है ही, अभी स्टार्ट करें? फिश फूड भी है, थोड़ा सा लोग मानते हैं तो रखा हुआ है। ओके, शिवाय बेटा। हाँ, तो और एक्सेसरीज वगैरह भी हम दिखाई देते हैं सारी है। अनिल भैया इनके जैसे जो थोड़ी अग्रेसिव लगने वाली ब्रीड्स होती हैं, अभी तो खैर बच्चा ही है, अभी क्या अग्रेसिव लगेगा, बट जैसे रॉटविलर पिटबुल हो गए, ये सारे हो गए, तो इनके लिए आजकल मैंने देखा क्यूबन कॉलर वगैरह आते हैं, वो कोई फायदा नहीं होता। क्यूबन कॉलर तो एक पनिशमेंट है, तो प्यार से नहीं, वो क्यूबन कॉलर वो जो गोल्ड कलर की गोल्ड की चेन्स वगैरह टाइप, गोल्ड की चेन, हाँ वो बहुत आती है, वो होती है आपके पास? वो भी होती है। ठीक है, तो मेरे को इसके लिए चाहिए होगी। और ग्रूमिंग वगैरह में हेयर कट अगर जैसे मान लो कोई नहीं आ सकता तो घर पे भी नहीं, होम सर्विस नहीं है, होम सर्विस जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट से जाना पड़ेगा, जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उसके अलावा अनिल भी अगर इसकी कोई अभी आप कोई एडवाइस देना चाहें इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे वैक्सीनेशन तो करवा ही लिया है, और किस चीज़ का ध्यान रखना है? डॉग फूड अच्छा दो, केयर करो उसकी, प्यार से पालो, समझाओ अच्छे से, उसका बिहेवियर अच्छा करो, जैसे सप्लीमेंट वगैरह विटामिन कैल्शियम इसको रेगुलर चलेगी अभी कुछ टाइम के लिए। तो अनिल भैया जैसे एक बात थी, जो शोज के लिए डॉग जाते हैं या वैसे जाते हैं, घर पे रखते हैं कितना भी अच्छा पपी ले आओ तो क्वालिटी नहीं निकल पाती, तो अच्छे पेरेंट्स की क्वालिटी जो है वो निकलेगी नहीं।
मतलब जो शाइन वगैरह जो चीज होती है ना, जो एक एक्स फैक्टर होता है उसके लिए क्या चीज़ सप्लीमेंट्स होते हैं? डॉग फूड अच्छा होना चाहिए, आप कितना उसको केयर करके रख रहे हैं, उस सब पे डिपेंड होती है कि हेयर्स में जो अपने आप शाइनिंग आती है वो आती है फूड से और मल्टीविटामिन कैल्शियम ओमेगा 3 ओमेगा 6 वगैरह सब दी जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। तो इसको अभी बस थोड़े नॉर्मल सप्लीमेंट्स वगैरह वो भी दिखाते हैं अनिल भैया, इसके लिए क्या दे रहे हैं, इसके लिए कुछ कॉलर्स वगैरह कुछ शॉपिंग इसकी आज करेंगे। तो भाई आप देख सकते हो डॉग स्टार कंप्लीट हाउस फॉर डॉग केयर एंड वेट क्लिनिक, साथ में अनिल गुप्ता जी। और चलते हैं अंदर की तरफ अनिल भैया, कुछ थोड़ा सा स्टोर का एक बार ही पूरा आउटलुक दिखाते हैं भाइयों को सबको। और जो भी फ्रेंड लेना चाहते हैं, देखो टोटली आपको फीड की रेंज से लेके बेड्स हो गए और छोटे कैनल्स हो गए, सारा कुछ मतलब जो चीज़ आप सोच सकते हो ये पूरा इधर फीड का सेक्शन आ गया। अनिल भैया इस सेक्शन में क्या शैम्पूज वगैरह? तो क्लाइंट सारे अपना अपना सामान खुद चूज कर रहे हैं, एक ये चूज कर रहा है, एक वो चूज कर रहा है, और एक ये सुल्तान भी कुछ कुछ पसंद कर रहा है। यहाँ पे सारे सप्लीमेंट्स वगैरह भी हैं। तो अनिल भैया इम्पोर्टेड वगैरह भी हैं सारे सप्लीमेंट्स? जिस जो चीज़ क्लाइंट को चाहिए सारी चीज़ अवेलेबल है। ये इधर वेट क्लिनिक है, तो अभी अंदर इस डॉग का कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, यहीं सुल्तान की वैक्सीनेशन भी होनी है और डॉक्टर साहब भी यहीं हैं। एंड देन इसके बाद में ये पूरी कॉलर्स की रेंज आ जाती है यहाँ पे, और ये कैट का सेक्शन भी है, अगर आपके पास कैट्स वगैरह हैं तो कैट्स का भी सारा खाना मिलेगा। और उसके बाद देन टॉयज़ वाले सेक्शन में चलते हैं। आप देख सकते हैं सारे टॉयज़ का सेक्शन आ गया, ये पेडिग्री की डेंटा स्टिक्स आ गई, और ये क्या हार्नेसेस? ये सारे हार्नेसेस हैं। शिवू व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बाइंग सम टॉयज़ फॉर सुल्तान? रियली इज इट गुड? हाउ इज दिस शॉप शिवाय? गुड और वेरी गुड? गिव थम्स अप। Okay, don't give. This is, you like it? One. This toy? No. Which one? This one. Okay, this one we will take for Sultan. Yes. You want to buy some toys for Trophy Angel also? Yes. Which one? But there's no Trophy Angel. Trophy Angel are at home. And ye sare toys ka hai Sultan ke liye, kuch toys pasand kar rahe Shivu? Okay, Shivu? Okay, you can choose more. ये सारी ग्रूमिंग एक्सेसरीज आ गई, और हर तरीके की ग्रूमिंग एक्सेसरीज है, वेट वाइप्स वगैरह डॉग्स के, इनके अलग आते हैं वेट वाइप्स भी? अलग का क्या कारण है? अपने वाले नहीं यूज कर सकते? अपने वाले यूज नहीं कर सकते, वो अपने वाले हार्म करते हैं डॉग को, इनके लिए स्पेशल आते हैं। अच्छा, ये तो मेरे को लगता था, मेरे को पता है बहुत कुछ, मैं 17 साल हो गए 16 साल रखते हैं, लेकिन ये मैंने अभी पहली बार देखा है, डॉग्स के लिए अलग वेट वाइप्स आते हैं। और ट्रीट्स वगैरह, ये तो बच्चों के लिए पूरी कैंडी शॉप है, आप जो चाहो जितना चाहो जो चीज़ चाहो। अनिल भैया जस्ट इन केस इतनी एक्सेसरी की रेंज होने के बाद भी कोई चीज़ कम रह जाती है तो ऑन ऑर्डर मिल जाएगी? ऑन ऑर्डर मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। और भाई सबसे बड़ी बात देखो, जो अनिल भैया को जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये कुछ ट्रॉफीज हैं, कुछ मैं फोटोज अटैच करूँगा, घर पर पड़ी है, और ये सारा डॉग शोज के अंदर ये भैया के चाव चाव है। भैया ये कहाँ से इम्पोर्टेड है चाव चाव? चाइना से। ये चाइनीज इम्पोर्ट है चाओ चाओ सारे। और उसके बाद में पहले अनिल भैया ने जितनी ट्रॉफियां जीती है मोस्टली सेंट बर्नार्ड के अंदर जीती हुई है। भैया सेंट बर्नार्ड कितने टाइम पहले थे? सेंट बर्नार्ड मेरे पास आज से 7 साल पहले थे। ओके। और सुल्तान के ऊपर एक डॉग भौंक रहा है। तो अनिल भैया एक बार ग्रूमिंग सेंटर चले ऊपर देख के आते हैं। भाई बिल्कुल साथ साथ में ही है, नीचे पूरा स्टोर एंड क्लिनिक नीचे है, एंड देन ग्रूमिंग सेंटर ऊपर है। ये हाइपर फ्रेंडली डॉग्स, ये पकड़ा दे और अंदर चलते हैं। ये पूरा ग्रूमिंग सेंटर है, यहाँ इसकी ग्रूमिंग हो रही है। क्या हेयर कट के लिए आया हुआ है? वॉशिंग के लिए। अच्छा, वॉशिंग के लिए। तो आप एक चीज देख सकते हो कि अभी हम तो रेंडमली आए हैं, बाकी साफ सफाई आप देख सकते हो कितनी है। तो अनिल भैया इसके अंदर मैक्सिमम कितना बड़ा डॉग नहा सकता है? पूरा सेंट बर्नार्ड का सकता है, पूरे लार्ज डॉग का।
हमारे वाला नहला दिया करोगे? अच्छा, बड़े से बड़ा डॉग। और इसमें टॉय ब्रीड? ये टॉय ब्रीड, छोटी ब्रीड के। और ये बिना भी बड़ी ब्रीड के। मतलब फुल साइज के डॉग नहा सकते हैं? फुल साइज का डॉग, किसी भी साइज का डॉग हो सब आते हैं। ठीक है, समझ गया। ये सारी एक्सेसरी। अच्छा, ये क्या जुगाड़ है? निकल गया ब्लो ड्रायर लगाने के बाद पूरा प्रॉपर सूख जाता है इससे। पूरा सूख जाएगा प्रॉपर उसके बाद। और आप देख सकते हो गीजर वगैरह हर चीज़ आपके पेट्स के लिए प्रॉपर जितनी केयर और ध्यान से हो सकता है हर चीज़ इंस्टॉल्ड है। गर्मी के लिए एसी भी लगा हुआ है एंड देन सर्दी के लिए हीटर भी लगा, सॉरी गीजर भी लगा हुआ है, हर चीज़ है। अभी एक डॉग आया नहाने, तो अभी जैसे इनको अनिल भैया नहलाएंगे तो इनका कुछ स्पेशल केयर रखना पड़ता है? जैसे बाइट वाइट ना करें तो मजल वगैरह पहनाते हैं? बाइट करते हैं जो डॉग, उनकी मजल बनाते हैं। जो बाइट नहीं करते हैं उसको मजल नहीं बनाते। अच्छा, वो ओनर खुद बता देता है कि ये हमारा डॉग बाइट करता है या नहीं करता है। बाइट करेगा तो मजल लगा देंगे। हम कोशिश करते हैं कि मजल ना ही लगाए, बिना मजल के ही तो अच्छे से नहलाएं, खुशियों में नहाए। ठीक है, तो ग्रूमिंग में नेल कटिंग वगैरह सारा कुछ हो जाएगा? हेयर ग्रूमिंग, आईज ग्रूमिंग, ग्रूमिंग सब कुछ होता है। ठीक है, यू नो व्हाट इज दिस, हेयर कलर भी करते हैं हम। यू नो व्हिच प्लेस इज दिस? डॉग्स कम हियर टू गेट देमसेल्फ ग्रूम। दिस इज द कटिंग सैलून फॉर डॉग्स। डॉग्स कम हियर फॉर हेयर कट। तो दांगा बेड वॉश कर दो। ओ ड्राई गोइंग टू कम हियर? No, Sultan is not taking a bath, but Anil Bhai is giving him a wet wash, dry wash. They're cleaning him. Okay. Now Sultan will get cleaned. आप ये देख सकते हो रॉयल कैनाइन का डॉग चार्ट लगा हुआ है, डॉग्स की फोटो नहाते हुए की। पूरा एसी वगैरह तो सारी जगह इन्होंने पूरा डॉग्स के लिए जो बेस्ट इनके लिए फैसिलिटी हो सकती है सब कुछ दिया हुआ है। और इसके लिए पट्टा भी ले लेंगे, मैं थोड़ा ओवरसाइज पट्टा ले आया था, अभी पट्टा वगैरह भी ले लेंगे। अनिल भैया, इसमें जैसे क्वालिटी में, अगर जैसे डॉग की क्वालिटी में देखें तो क्या क्या फैक्टर आते हैं? जैसे मेरे को तो अभी मेन यही लगता है, जैसे इसके पंजे बहुत चौड़े हैं और बोन साइज होता है, स्ट्रक्चर होता है, हेड होता है, आपकी स्टैंडिंग पोजिशन होती है, उसकी टेल सेटिंग होती है, वो सब कुछ देखा जाता है। जैसे अभी ना क्या करता है ये, कहीं किसी डॉग पे भौंकता है या कुछ करता है तो उसकी पूंछ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी कर लेता है। वो हर ब्रीड का अलग अलग होता है, कोई खड़ी करते हैं, कोई दबा लेते हैं, कोई सेट रखते हैं, तो हर ब्रीड का, हर बच्चे का। तो अभी ये क्या डाला भैया आपने इसमें? ड्राई वॉश का अलग शैम्पू आता है? हाँ, दिखाना। अच्छा, ये ड्राई वॉश मतलब इसको अलग से पूरा रिंस करके हटाना नहीं पड़ेगा? रिंस करके हटाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही करके सही हो जाएगा। ठीक है, तो सुल्तान करते हुए वीडियो दिखाते हैं। चलो, सुल्तान का ड्राई वॉश भी हो जाएगा। आया तो वैक्सीन के लिए था, पूरी सर्विस हो गई जाएगी इसकी। ध्यान से भैया, बहुत एग्रेसिव है, काट लेता बहुत ज्यादा। भाइयों को एक्सपीरियंस है हर चीज का। सबसे खतरनाक कौन सा कुत्ता ने लाया तुमने? बहुत रोज ही आते हैं दो चार, बहुत बहुत खतरनाक। तो अच्छा, सबसे ज्यादा हस्की आता है यहाँ पे। अच्छा, उसका कैसे, मुंह बांधना पड़ता है? हाँ, मज़ा लगाना पड़ता। अच्छा, सुल्तान थोड़ा गंदा भी हो गया था, ड्राई वॉश हो रहा है। अनिल भैया, अगली वीडियो जब भी आप मेरे को टाइम दोगे ना तो। अच्छा, अनिल भैया के पास मैं बताऊं, बहुत ही अच्छे फैंसी कबूतर भी भैया ने रखे हुए हैं। तो मैं, हमारी मुलाकात खैर कबूतरों के चक्कर में ही हुई थी सबसे पहले। बहुत ही शानदार कबूतर है। किसी दिन अनिल भैया छत पे बैठेंगे तो कुछ डॉग ट्रेनिंग की टिप्स और देना। बिल्कुल जरूर देंगे, क्योंकि अब जैसे मैंने ये डॉग लिया तो इसको लेते हुए मेरे को सबसे बड़ा डर क्या लग रहा था कि बड़ी ब्रीड है, कल को एग्रेसिव ना हो या काटे ना, या कंट्रोल इसको कैसे करेंगे। नहीं, वो मैं सारी टिप्स बता दूंगा कैसे होगी नेक्स्ट टाइम, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम वो चीज नहीं चाहते कि एक तो डॉग एग्रेसिव बने, दूसरा इसको मारना नहीं चाहते हम किसी भी तरीके से। मारना कोई सलूशन नहीं है, समझाना, उसको सिखाना ही सलूशन है। तो जैसे अगर कोई एग्रेसिव डॉग है, जाओ जाओ भैया जाओ, अगर जैसे कोई एग्रेसिव डॉग है और मान लो 2-3 साल का हो गया तो उसका एग्रेशन कंट्रोल हो सकता है? उसका एग्रेशन कंट्रोल बहुत मुश्किल से होता है, पर हो सब कुछ जाता है। अच्छा, ट्रेनर अच्छा हो तो उसे कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो अभी इसको पूरा इससे रिंस कर देंगे। इसमें क्या, शैम्पू और ड्राई वॉश वाला शैम्पू? हाँ, ड्राई वॉश। और
पानी डाला हुआ है इसके अंदर। अनिल भैया एक चीज होती है जैसे बोलते हैं ग्लैंड साफ करना, मैंने अपने पक्ष के कभी कराए नहीं था, मुझे पता नहीं था, बट अभी किसी ने बताया कि इनके ग्लैंड साफ होते हैं, क्या चीज होती है और वो कितने टाइम? एनल ग्लैंड होता है वो बॉडी एरिया के बिल्कुल बाहर टॉप में छल्ला जैसा होता है, उसके अंदर धीरे धीरे गंद आता रहता है। अच्छा, तो वो 4 महीने 5 महीने में एक बार उसको क्लीन कराना होता है। अच्छा, रेगुलर बेस पे नहीं कराना, और खुद नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, ना करना चाहिए, ना कर सकते हैं, और वो 5 मिनट का प्रोसेस होता है वो साफ हो जाता है, तो वो रेगुलर नहीं करवाना होता। नहीं कराना चाहिए 5 महीने। रेगुलर का क्या नुकसान है? रेगुलर अननेसेसरी किसी चीज को डिस्टर्ब करना खराब। ठीक है, तो भाई सुल्तान जो है वो पूरा नहा चुका है शैम्पू के अंदर और काफी शरीफ ही है अभी तक तो हमारा इंडियन मैस्टिफ। सुल्तान व्हाट इज ओ सुल्तान क्या भाई, सुबह से तब से पूरी वीडियो में आप लोग देख चुके हो शिवाय को सुल्तान और सुल्तान को शिवाय। शिवाय व्हाट इज हैपनिंग टू सुल्तान? बे इज गिविंग हिम बाथ, ही विल नाउ बिकम अ क्लीन एंड नीट एंड क्लीन पपी। यू लाइक क्लीन डॉग्स? ओ यू हैव टेकन दैट टॉय फॉर हिम? हु गिव यू दिस टॉय? Somebody gave you downstairs or you took it yourself? I took it myself. Okay. But we have to pay for it, okay? तो इसकी अभी बात चल रही है, कितनी देर का प्रोसेस है? ये 15 मिनट का। अच्छा, और ये ऐसे कैसे लेटा हुआ शांति से? ये ट्रेन डॉग है, इसका रेगुलर काम होता रहता है यहाँ पे, तो उसको आराम से चैन से बैठा है। ये गोल्डन रिट्रीवर है ना, थोड़ा हैवी साइड पे है। अच्छा डॉग, अच्छी क्वालिटी का डॉग, दूर से नजर आता बहुत ही बढ़िया। हार्नेस पहना हुआ। अच्छा, किसी को कुछ कहता नहीं? बांधा तो नहीं हुआ? ये बांधा भी नहीं हुआ, खुला हुआ, खुला हुआ, ऐसे ही लेटा हुआ आराम से। इसके ओनर कहाँ है? इसके ओनर बाहर गाड़ी में। अच्छा, तो अकेला लेटा हुआ है, कुछ ना भौंक रहा है ना किसी पे कुछ? बहुत प्यार से हैंडल करते हैं हम डॉग्स को, अपने बच्चों की तरह हम हैंडल करते हैं डॉग्स। बहुत बढ़िया। अनिल भैया ये काउंटर किस चीज के लिए? भी ड्राई वॉश के ही है? नहीं, ये पूरा वॉशिंग, इसमें कटिंग होती है यहाँ पे। अच्छा, तो और ये पूरा इंपोर्टेड है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, अब इसको भी ड्रायर मारेंगे? नहीं, इसको भी ड्रायर मारेंगे। अच्छा, सुल्तान की वैसे अनिल भैया ये इस ब्रीड के कोई डॉग्स आते हैं यहाँ पे? आते हैं यहाँ पाकिस्तानी बुली ब्रीड आती है, मैस्टिफ वगैरह सब, मैस्टिफ वगैरह सब आते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये वाले स्पेसिफिकली डॉग गांव साइड में तो बहुत लोगों ने पाले हुए हैं, पंजाब में, हरियाणा में, जगह की वजह से कम यूज को रखते हैं क्योंकि जगह शहरों में छोटी है। अच्छा, छोटा डॉग पसंद करते। वैसे है यहाँ पे आस पास ही वाले? कितने होंगे अंदाजा? होंगे 15-20 तो। 15-20 होंगे ये वाले, बट ये क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। हाँ, इसके जैसा तो कोई भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। तो क्योंकि काफी बड़े हो जाते हैं तो वही मेरे को था कि इसकी, क्योंकि अभी से इसको ईयर्स वगैरह साफ करने की और ब्रश करवाना होता है पपीज को? ब्रश करवाना चाहे तो करा सकते, नहीं कराना चाहे तो आपकी, क्योंकि कल को फिर इतने बड़ी ब्रीड के दांत वगैरह गंदे होंगे, फिर साफ करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। हैबिट डालिए, हैबिट से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनर की भी सर्विस होती है क्या अनिल भैया यहाँ पे? ट्रेनर भी मिल जाते हैं हमारे यहाँ पे, ट्रेनर भी मिलते हैं। अच्छा, किसी ने करवाना? ट्रेनर है, अच्छे ट्रेनर है। ठीक है, तो अब ये धुल गया है ये पूरा, ये कौन सा कपड़ा है? स्पेशल टॉवल आता है डॉग्स के लिए। अच्छा, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार गीला हो सकता है, उतना बार पूरा, अगली बार उतना ही पूरा काम करेगा, इसको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस निचोड़ दो, निचोड़ दो, निचोड़ के रख दो। अच्छा, ये मेरे लिए मंगा देना यार जी। होता है आपके पास? अच्छा, सही जी, स्पेशल डॉग्स का ही है ये, स्पेशल डॉग के लिए। बहुत सही है, इसको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो वैसे मैं ड्राई शैम्पू ही ले लेता हूँ क्योंकि अभी बहुत गंदा हो गया था, अब तो एकदम साफ हो गया ये। हाँ। जब तक सर्दियाँ सर्दियाँ तो ड्राई बाथ दे दें, क्योंकि पपी छोटा है, बड़े डॉग को तो नहला सकते हैं। बाकी इन्होंने तमीज से काम करवाया, बड़े होके भी ऐसे ही करवाते रहे तो बढ़िया रहेगा। शिवाय सुल्तान इज नाउ ऑल क्लीन डॉग, ही इज अ गुड पपी नाउ। What you are holding for him? That. You really love this toy? It's but he needs your puppet also. Why? He needs to play with it. Can you give it to him?
ओके कैन नॉट गिव यू अ पपेट बट यू कैन गिव दिस बच्चे भाई वॉशिंग हो चुकी है सुल्तान की और अब इसका ड्राइवर है वो गोल्डन रिट्रीवर चला गया भाई और इसकी वॉशिंग हो रही है विदाउट मजाली। ये कौन सी ब्रीड है वाली? लाता। ये तो बड़ा काटता नहीं था पहले? हाँ भाई आप देख सकते हो सुल्तान के पैर वैर मैले हो रहे थे और अब बन चुका है ये सेक्सी बॉय। और अभी क्या लग रहा है इसको? माउथ फ्रेशनर। अच्छा ये तो इससे तो हम भी करते थे, इससे वो है ना झाग झाग सी बन के बाहर आती है। नहीं वो वाला नहीं, वो दूसरा होगा। अच्छा वो दूसरा है। हाँ। तो अभी इसका सारा कुछ होएगा ग्रूमिंग। ये आगे इसके इयर्स क्लीन होएंगे अब। साफ थे गंदे थे? साफ। कान साफ है, सेक्सी कुत्ता है। बस ये बड़ा होके भी ऐसे ही करवाता रहे साफ सफाई, नहीं तो हमारी जान को दिक्कत होगी। नहीं रेगुलर आएगा तो आराम से करवाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे छोटे होते से इसको आदत डाले? छोटे होते से आदत बढ़ जाती है। ग्रूमिंग कितनी रेगुलर करवानी चाहिए अनिल भैया? हफ्ते दस दिन में एक बार वॉशिंग। महीने में दो बार ही मतलब हो जाए? तीन बार। और ये नेल कट वगैरह? नेल कट तो जैसे ग्रूमिंग के आते हैं हम अपने आप ही करते रहते हैं। अच्छा अनिल भैया ग्रूमिंग का कितना चार्ज आता है वैसे? ग्रूमिंग का ब्रीड वाइज चार्ज है, जैसे ड्राई वाश का 350 रुपये चार्ज है और वॉशिंग का 500 से स्टार्ट होके फिर जितनी जितनी आपको सर्विस चाहिए उसी हिसाब से प्राइस। ठीक है, मतलब बेसिक सस्ता प्राइस ही है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है। बस इंसान घर में ना नहला के यहाँ पे ले आए नहाने के लिए। हाँ। प्रोफेशनल तरीके से मैं डॉग को प्यार से रखते हैं क्योंकि उसमें फिर ये है कि अपनी टेंशन खत्म हो जाती है हर चीज़ से लेकर के, तो यहाँ पे कैसा भी डॉग हो उसको हैंडल कर लिया जाता है। हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये इसके को प्यार से ही हैंडल करते हैं। हाँ नेल कट हो रहे हैं इसके, फर्स्ट टाइम ही हो रहे हैं। अरे वैसे तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं नेल कट की, वो छोटी छोटी जो टिप्स है वो भैया ने कर दी है इसकी एडजस्ट। और अब क्या माउथ फ्रेशनर होना है इसका? माउथ फ्रेशनर हो गया, मारना जरा। अभी तो बच्चा बड़े हो गए, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसको जब ये डेट पे जाएगा। इसकी नस्ल की एक दो और ढूंढ के भी रखनी पड़ेगी ना अनिल भैया, जब माउथ फ्रेशनर लगा के जिसके साथ घूमने जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ नेल ग्राइंड है। अच्छा इसके नेल्स ग्राइंड हो रहे हैं सुल्तान के। जो धार बनी होती है नाखूनों में वो सारी इससे ग्राइंड हो जाती है, देख सकते हो। अच्छा ज़्यादा डीप नहीं काटते आप लोग क्योंकि कई बार ब्लड आ जाता है तो फिर वो ग्राइंडर रेंज होती है, रेंज के बाद ही काट सकते हैं, रेंज में काटेंगे तो ब्लड आ जाएगा, तो उसके लिए फिर ये ग्राइंडर हो जाता है स्मूथ करने के लिए नाखूनों को। बहुत सही। तो भाई जब ये आया था मेरे पास ये था 10 kg का, अब हो चुका है ये 12 kg 200 ग्राम के आसपास का। ये चढ़ा दिया इसको और हाँ 12 kg 400 वेट है। और अभी ये सारा, अच्छा ये हर एक के बाद आप सैनिटाइज करते हो? ठीक है, तो इसकी क्या कहते हैं अनिल भैया वैक्सीनेशन जो है कौन से ब्रांड की आप यूज करते हो? अलग अलग ब्रांड्स की आती है जो अवेलेबल होती है बाजार में, वही करते हैं सबकी इक्वली काम, सबकी इक्वल और अच्छी वैक्सीन यूज करते हैं। ठीक है, जो बाजार के ब्रांड्स हैं उन्हीं की यूज करते हैं। ये डॉक्टर साहब ये देखते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। नाम क्या सर आपका? डॉक्टर कृष्ण कुमार। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, तो सर लगा दो फिर इसको वैक्सीन। ठीक है सर, कर दो मुहूर्त। साल में अब इसकी
साल में 6 वैक्सीनेशन होंगे सर इसके, 3 तो 9-in-1 लगते हैं, एक कोरोना वायरस, एक कैनल कफ और एक एंटी रेबीज सर। ठीक है, 9-in-1 लगती है सर, जैसे पार्वो वायरस, डिस्टेम्पर वायरस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस जैसी बीमारियों के लिए जो इनकी खतरनाक बीमारियां होती है सर। ठीक है, सबसे पहले होती है 9-in-1 वैक्सीनेशन सर। ओके, तो 9-in-1 के अंदर हम लेते हैं यूज में 5-FU वैनगार्ड कंपनी की आती है जो सर। ठीक है जी, ठीक है। और इसी के साथ में सर आपको हर वैक्सीनेशन के साथ में डीवॉर्मिंग पेट के कीड़ों की मेडिसिन दी जाती है सर। डीवॉर्मिंग मैंने कर दी थी इसकी। ओके सर, खाली मैं वैक्सीनेशन कर देता हूँ सर, आज फर्स्ट वैक्सीनेशन से स्टार्ट कर देता हूँ, आपको फाइल बना के दे देता हूँ। ठीक है सर। अनिल भैया, इसके MCD का टोकन वगैरह भी बनवाना पड़ेगा? ये एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद वो आपको कार्ड ले जाके MCD में दिखाना होगा, अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। ठीक है, ये वहीं से MCD से इसका लाइसेंस बन जाए। ठीक है, तो ये अब इसकी वैक्सीन तैयार हो रही है। ये ड्राई वैक्सीन होती है, कैसे होती है? सर ये ड्राई होती है, इसके साथ में एक डाइलेंट आता है, एक पाउडर आता है सर, दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है सर। ठीक है, अच्छा अभी आपने इसमें डाइल्यूटेंट मिक्स करा, एक बार दिखा सकते हैं? हाँ जी सर। अच्छा यही वाला स्टिकर, हाँ, उतर के उसके ऊपर, हाँ, कार्ड पे चिपकेगा? हाँ, यही वाला उतर के कार्ड पे चिपकाया जाएगा सर। ठीक है, फॉर वैक्सीनेशन 9-in-1 कहते हैं सर, ब्रांड नेम है 5-FU। ठीक है सर, हमें वैक्सीनेशन चार्ट बन चुका है। अच्छा, इसमें आज की डेट और इसका वेट वगैरह सारा कुछ आएगा। अनिल भैया, इसका कितना वेट बढ़ना चाहिए, कितने दिन में कितना बढ़ना चाहिए? ये अकॉर्डिंग टू फीड। अच्छा, बढ़ना चाहिए महीने में कम से कम 2 किलो से 5 किलो के बीच, 2 से 5 किलो तक बढ़ना चाहिए, जो हेल्दी है। तो ये इसका कार्ड बन चुका है, वैक्सीनेशन का लग गया, नेम सुल्तान कुनाल लंबा, और ये 9-in-1 का स्टिकर इसका लग चुका है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और थैंक यू अनिल भैया, कुछ इसके लिए सामान दे दो हमारे को। भाई पट्टे मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, अभी ये सुल्तान के लिए ले रहे हैं। अनिल भैया, ये क्या चीज़ लिया है हमने? ये बाउल स्टैंड है इसका। ये और इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि काफी लोग जमीन पे खिलाते हैं, तो ज्यादा जमीन पे खिलाने से लोग की जो नेक है वो नीचे हो जाती है, तो कहते हैं कि उसको स्टैंड पे खिलाएंगे कि नेक सही रहेगी। और जैसे ये हैवी ब्रीड है, बड़े डॉग्स हो जाते हैं ये, तो ऐसा भी कुछ है कि इनके लेग्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर ज्यादा झुक के ढंग से खिलाएंगे पिलाएंगे स्टैंड पे खिलाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं? ये इसकी नीज के लिए भी अच्छा है और नेक के लिए भी अच्छा है। तो बर्तन तो लाने ही है, वो उसकी जगह ये ले लें। हाँ, एक स्टैंड अभी इसके लिए हम ये ले रहे हैं। और अनिल भैया, एक वो पतली सी लीश आती है जो बहुत पतली सी शो डॉग्स को भी डालते हैं, शो लीश होती है जी, वो है आपके पास? हाँ, वो है जी। ये बुल्ली है जी, इंडियन मैस्टिफ या पाकिस्तानी बुल्ली बोल सकते हैं। इसका कलर अभी ऐसा हो गया है, नहीं कलर इसमें बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे कलर है, व्हाइट के ऊपर स्पॉटेड ब्लैक, वो इसमें इनफाइनाइट कलर है, क्योंकि ये कलर पैटर्न इसका कोई मैटर नहीं करता ब्रीड स्टैंडर्ड में। आप घर पे रखते हो कि कोई? ये ऑफिस पे है मेरे। ये काफी बड़ा हो जाएगा? हाँ जी, काफी बड़ा हो जाता है। ये शोली चीज होती है, तो ये रेगुलर नहीं डालनी चाहिए अनिल भैया? रेगुलर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जैसे इसको पुलिंग वगैरह की आदत है? ये छोटी ब्रीड के लिए है। ठीक है, अच्छा, जैसे और छोटी ब्रीड के लिए छोटा वाला है। अच्छा, ये बिल्कुल स्मॉल ब्रीड्स के लिए, स्मॉल, यही कॉलर बन जाता है। अच्छा, यही हो जाता है इसका, आप चाहे जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चौकचेन के लिए ये इंपोर्टेड चौकचेन है। अच्छा, हमारे पास सब मिल जाएंगे, इंडियन भी इंपोर्टेड भी। हाँ जी, स्पेशल दें नहीं, 55 55। ये देखिए, ये क्वालिटी आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये चीज, ये क्वालिटी बहुत ही सही। नॉर्मल इसके कलर भी खराब होगा नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, नहीं तो पीतल की होती है तो काली पड़ जाती है इतने दिनों में। ये क्या है, स्टेनलेस स्टील है? हाँ, ये स्टील पे गोल्ड ब्रेडेड है। तो इसको अभी चोक चेन डालनी चाहिए कि नहीं? अब डाल सकते हैं, अभी तो छोटा है, अभी तो नहीं डाले, कम से कम बहुत बड़ा वेट करें जब ये थोड़ा लीश की आदत इसको हो जाए, क्योंकि अभी ये पुल करेगा। एक महीने बाद ये देखिए, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे कितना भी बड़ा कुत्ता बांध सकता है। हाँ, तो अभी इसके लिए कौन सी लीश दोगे आप? अभी सिंपल कॉलर जो इसने पहना हुआ है वो ठीक है? वो ठीक है, उसमें आप छोटा सा ही दे सकते हैं। ठीक है, और ब्रश वगैरह इसके लिए कोई दे दो?
इसके लिए आप इसकी कॉम ले जाइए, ये कॉम इसको चलेगी। और ये किसके लिए? ये हेयरी डॉग्स के लिए। ये नहीं, ये भी सी डॉग, ये हर डॉग को यूज होता है। अच्छा, जो डेड हेयर्स होते हैं वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, तो घर में घूमते नहीं। ठीक है, नीचे इसकी कॉम भी हो जाती है, ये इस टाइप से होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर खोल के। ये खोल ही दो, ये ले ही रहे हम, उसके बाद आपको बताते हैं कि हमारा बिल कितने का बना। नॉर्मल प्राइस है हमारे, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। हाँ जी, एक बात बताओ ये आप। अच्छा अनिल भैया, हमारे रेफरेंस के थ्रू कोई आएगा तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह? आपके स्पेशल डिस्काउंट देंगे उनको। तो भाई आप बता सकते हो, हमारे चैनल का नाम ले सकते हो अनिल भैया, बिल्कुल आपको बेस्ट से बेस्ट रेट लगाएंगे। ये देखिए, ये है। ओके, ठीक है, ये इसका बटन है। अच्छा, तो दबा के अगर हम पीछे करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम दबा के हम इसको बाहर करेंगे तो ये, अच्छा, ये सारे डेड हेयर रिमूव कर दे। इसको बाहर करेंगे तो बाल जो डेड हेयर से इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसका बटन दबाइए, अंदर कीजिए, ये सारे बाल ऐसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। ठीक है जी, एक ये कॉम्ब दे दीजिए इसके लिए हमारे को, और एक ये हमने लिया इसके लिए स्टैंड ताकि ये खाना खा सके इसके ऊपर, और शो लीश वगैरह जब इसको लीश पर चलने की आदत हो जाएगी तब डालेंगे शो लीश इसको। ये सब मिल जाए इसको बजाना, ये सब। और कुछ ट्रीट्स दे दो अनिल भैया इसको ताकि ट्रेनिंग स्टार्ट करा सकूं मैं बेसिक थोड़ी। ये छोटी डॉग्स के लिए भी मिलता है हमारे पास। अच्छा, शूज है, ये सब स्मॉल ब्रीड के, स्मॉल ब्रीड के शूज हैं। ठीक है, ये सॉक्स हैं, ये सब सॉक्स हैं इनकी। ये तो खा ही जाएगा बेचारा हमारे वाला, तो छोटी ब्रीड के लिए। शिवा सी, दीज आर सॉक्स फॉर द डॉग्स, ओके, यू लाइक इट? बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमन फ्रेंडली, ऐसे देख ले बट। अनिल भैया कोई सी ट्रीट जो मैं इसको वैसे भी कुछ दे दो, एक आधी जो चबाने के लिए खा ले, या बोन्स तो उसके पास में ऐसी वाली पड़ी है, और आप कोई राइस दिखते हैं ये कुछ जो ट्रेनिंग में इजी रह जाए जिससे कि मैं इसको ट्रेन कर पाऊँ, ये आप ले जाइए, या कुछ छोटा छोटा ऐसा कुछ दे दो कि पीसेस जो मैं इसको खिला दिया करूँ। इतने स्टिक्स हैं, इसका तोड़ के जितना बड़ी छोटा कर सकते, इतनी छोटी भी जाएगी, इतनी बड़ी स्टिक्स है। अच्छा, उड़ जाती है बहुत टॉप। और फ्लेवर कौन कौन से हैं इसमें? सारे फ्लेवर हैं जिसमें आते हैं, तो अपना फेवरेट ले लेता हूँ, चीज़ एंड चिकन, तो इंसानों को भी अच्छा लगता है, डॉग्स को भी लगना ही चाहिए। अच्छा, ये बाहर से चिकन है, अंदर से इसमें चीज़ टाइप की फिलिंग कर रखी है, और एक इसके लिए ले लेते हैं। ये बर्गर क्या है? ये फ्लेवर है बर्गर। अच्छा, ये मिनी बर्गर है इसके लिए, तो ये एक मिनी बर्गर और एक ये ले रहे हैं इसके लिए। कोई कपड़े भी दे दो, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो आप देखिए सारी वैरायटी है हमारे पास कपड़ों की। ये आ जाएगा इसको? ये तो इसके लिए बड़ा रहेगा, इसकी साइज का मिल जाएगा। ये हुडी है, ये कैप, ये है, इसके साइज का मिल जाएगा, सब साइज इसके मिल जाते हैं। तो ये वाला इसके साइज का एक निकाल दो, हुडी वाला। जी मैं निकाल देता हूँ, मेरी बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास स्वेटर नहीं है, लगेगा इसमें डॉन टाइप कुत्ता। एक ये दे दो, तो एक ड्रेस हो गई और इसकी एक्सेसरीज हो गई हैं, ये कोट्स हो गए, अलग अलग जैकेट्स, टी शर्ट्स, हुडीज, ऐसे तो रेंज इनफाइनाइट है, बट हम वो वाली हुडी, कुछ ट्रीट्स और वो ले रहे हैं। एक टॉय शिवाय ने लिया था, वो टॉय भी ले रहे हैं। अच्छा, ये क्रिसमस कलेक्शन, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत लोगों ने लिए हैं। हाँ, बहुत सही। तो भाई सुल्तान ने ड्रेस पहन लिया अपनी, इधर दिखा बेटे, नए कपड़े पहनने की आदत नहीं है, हुडी वाली। तो भाई सुल्तान ने ड्रेस पहन लिया, अब घर चलते हैं, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा है, वैक्सीन लगी है। तो अनिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद जी बहुत बहुत। और अब आता रहेगा तो सुल्तान के लिए हमने कॉलर और ले लिया छोटे वाला, जो हमारे पास था वो बड़ा था। तो अनिल भैया आते रहेंगे आपके पास, और जिस भाई ने भी आना है, शॉप का लिंक नंबर वगैरह सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर विजिट करें, और अपने डॉग के लिए अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट, एक्सेसरीज वगैरह सारा कुछ अवेल करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये था एक छोटा सा ब्लॉग टाइप वीडियो सुल्तान की फर्स्ट वैक्सीन का, ये रहा चुटका सो रहा है अपनी जैकेट जुकेट पहन के।
सुल्तान की फर्स्ट वैक्सीन का। तन्मय कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। कैसा स्टोर लगा? शिवाय व्हाई आर यू क्राइंग नाउ? हाँ शिवु, शिवाय, ओए शिवाय, शिवाय, अनिल अंकल गेव यू अ गिफ्ट? अनिल अंकल गेव यू अ गिफ्ट? व्हाट? अ टॉय फॉर योर डॉग? व्हिच डॉग? सुल्तान। तो भाई ये था व्लॉग टाइप वीडियो। अगर आप इस टाइप के और व्लॉग्स देखना चाहते हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना भाई, और ऐसे वीडियो शूट करेंगे। जो जो भी सुल्तान के साथ नई नई एक्टिविटीज़ करेंगे वो भी सारी वीक में एक बार ही आती रहेगी। कबूतरों की वीडियो ऐसे ही आती रहेगी जैसे आती है, उसकी टेंशन मत लेना। बाकी जो जो अपनी हॉबीज़ हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे चैनल पर। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।